हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडु पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेषताओं के बारे में, कि ग्रामीण समाजशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में। देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है। देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों, ग्रामीण और समाजशास्त्र, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला शब्द है ग्रामीण और दूसरा शब्द है समाजशास्त्र। तो ये दोनों शब्द मिलाकर के बनते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र, जिसका अर्थ होता है समाज की वह शाखा जो वैज्ञानिक रूप से ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण संबंधों और ग्रामीण जगत का अध्ययन करता है। मतलब जो ग्रामीण समाजशास्त्र ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो है जिसमें वैज्ञानिक रूप से ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ते हैं, कि ग्रामीण जीवन किस तरह का होता है, ग्रामीण जीवन में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, ठीक है, ग्रामीण जीवन की प्रकृति किस तरह का होता है। तो ये सभी चीज़ें ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में। चलिए जानते हैं। देखिए, कई जो समाजशास्त्री वगैरह हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, और जिसकी व्याख्या मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कौन कौन से विद्वान ने क्या परिभाषाएं दी है। सबसे पहले आते हैं एफ स्टुअर्ट चैपिन। इन्होंने बताया है कि ग्रामीण जीवन का वह समाज सत्र, ग्रामीण आबादी, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि ग्रामीण जो समाजशास्त्र है वो ग्रामीण आबादी और ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, कि किस तरह से सामाजिक प्रक्रियाएं की जा रही हैं, समाज में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, किस तरह से कार्य किया जाता है, सामाजिक संगठन किस तरह का होता है, जो है ग्रामीण में आबादी किस तरह की होती है। तो इस सभी के बारे में हम लोग ग्रामीण समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके बाद अगले विद्वान हैं डेविड सैंडरसन, ठीक है, डेविड सैंडरसन। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण परिवेश में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है। इसकी उत्पत्ति एवं विकास को समझे बिना अधिकांशतः इस विषय पर ग्रामीण जीवन का सामान्य विवरण दिया जाता है। इनका कहना है कि जो ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें पाई जाती हैं, ग्रामीण परिवेश में जो जीवन पाया जाता है या जो जीवन ग्रामीण परिवेश में पाया जाता है, उसको ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं, उसी के अध्ययन को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। अगले विद्वान हैं टी लिन स्मिथ। टी लिन स्मिथ ने क्या कहा है कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कहना अधिक उपयुक्त होगा। देखिए, गांव जो गांव है और गांव का जो समाज है, गांव में और गांव के समाज में क्या संबंध है, इसको अध्ययन करना जो है समाजशास्त्र, जो है ग्रामीण समाजशास्त्र कहना अधिक उपयुक्त होगा, यह टी लिन स्मिथ का कहना है। टी लिन स्मिथ कहते हैं कि गांव यानी कि ग्रामीण और जो समाज के बीच जो संबंध है उसका
अध्ययन करना ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। अगले विद्वान हैं लोरी नेल्सन। लोरी नेल्सन ये कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न प्रकार के समूह, जैसे वे ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं, का विवेचन और विश्लेषण है। लोरी नेल्सन क्या कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की जो विषय है, क्या विषय सामग्री है, तो विभिन्न प्रकार के समूह जो ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं, उन्हीं की व्याख्या करना, उन्हीं का अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। अगले समाजशास्त्री हैं डी सैंडरसन। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण परिवेश में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। इनके बारे में तो मैंने जो है बता ही दिया है पहले ही। इसके बाद चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेषताओं के बारे में, कि ग्रामीण समाजशास्त्र की क्या विशेषताएं होती हैं, जो है पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, एक सोशियोलॉजी की ही शाखा है, एक ब्रांच है। अगली विशेषता है ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र किसे कहते हैं? तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है, या गांव के समाज के बारे में अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। अगली विशेषता है, एक तरह से ग्रामीण समाजशास्त्र गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है। अगली विशेषता है, ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य संबंध ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसकी संरचना, कार्यों, सामाजिक मानदंडों और प्रक्रियाओं से है। देखिए, ये समाजशास्त्र के जो है ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशेषता है कि यह जो है इसका संबंध जो है ग्रामीण सामाजिक संगठन और जो इसकी संरचना होती है, जो समूह होते हैं गांव में, ठीक है, गांव में जो संगठन होता है, लोगों का संगठन जो होता है, उसका अध्ययन, लोगों के संगठन का अध्ययन, उनकी संरचना का अध्ययन, क्या कार्य करते हैं उसका अध्ययन, और सामाजिक मानदंडों और प्रक्रियाओं से जो है इन सब का अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। अगली विशेषता है, ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की तुलना में अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि यह ग्रामीण समुदायों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र मूल रूप से ग्रामीण जीवन, प्रतिमानों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नगरीय समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।